हेलो गाइस, आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम एक नए प्रोडक्ट को फिर देखेंगे और उसके बारे में कुछ चीजें सीखेंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्राम मिमी प्राम। आर्टिकल नंबर है इसका MM50A। तो आज हम इसको देखने वाले हैं, इसके सारे फीचर्स, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके मटेरियल्स, एज लिमिट, बाकी सारी चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स से। 50A प्राम क्योंकि स्लीपिंग पोजीशन से स्टार्ट किया जाता है, इसलिए इसमें प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन आएगी। स्लीपिंग पोजीशन के टाइम पे हम फुट रेस्ट को ऊपर कर देते हैं, जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाती है और बेबी का पैर आगे तक आ सकता है। ये मल्टी पोजीशन प्राम है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे एक साइड एक बेल्ट दी हुई है। इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए हम इस बेल्ट को ऊपर कर सकते हैं और नीचे लाने के लिए आप देखेंगे यहां पर ये प्रेस होता है। इस चीज को जब हम प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर ले जाने के लिए डायरेक्ट और नीचे लाने के लिए इससे हमें प्रेस करना होता है। ये प्रेस करेंगे ये नीचे आ जाएगा। हम इसे किसी भी पोजीशन में सेट करके इसकी पोजीशन को रोक सकते हैं, यानी कि मल्टी पोजीशन होता है। न्यूली बॉर्न बेबी के लिए स्लीपिंग पोजीशन, आफ्टर 6 मंथ बेबी के लिए हम इसे रिक्लाइन पोजीशन में ले जाते हैं। अब देख रहे हैं प्राइमिक रिक्लाइन पोजीशन में है और 9 मंथ एंड 1 ईयर बाद हम इसे सिटिंग पोजीशन में लाते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राम सिटिंग पोजीशन में है। सिटिंग पोजीशन में करने के टाइम पर इसके फुट रेस्ट को नीचे करना होता है। फुट रेस्ट नीचे करने के लिए आप देख रहे हैं यहां एक बटन दिया हुआ है, ये बोथ साइड है। दोनों साइड के बटन को एक साथ प्रेस करके इसके फुट रेस्ट को नीचे कर दिया जाता है, जिससे बेबी का पैर नीचे तक आ सके। इसमें 5-way हार्नेस बेल्ट है जो कि बेबी को सेफ रखती है, उसके मूवमेंट को बहुत कम होने देती है, बेबी इधर उधर उसको गिरने नहीं देती है। रेड बटन को दबा के हम इसके लॉक को खोल सकते हैं और वापस इंसर्ट करके हम इसे बंद कर सकते हैं। सामने भी आप देख रहे हैं एक सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है, इसे हम चाहें तो इस टाइप से खोला जा सकता है। इसके लिए इसमें नीचे एक देख रहे हैं आप ये बटन दिया है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा और वापस हम इसको इंसर्ट करके इसमें लगा सकते हैं। ये चीज हमारा ये फंक्शन दोनों साइड दिया हुआ है, तो अगर हमें इसे बेबी को बैठाने के लिए एक साइड से खोलना है एक साइड से खोल सकते हैं, या हमें ये टोटली बाहर निकालना है तो हम इसे टोटली बाहर भी निकाल सकते हैं। वापस सिंपली इंसर्ट करने से ये प्राम के अंदर चला जाएगा। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं साइड में स्टोरेज है, जहां हम बेबी का सिपल्स, फीडिंग बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। बेबी को अगर प्यास लगी है तो हम इजली यहां से निकालकर बेबी को दे सकते हैं। जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं आगे के व्हील्स 360 डिग्री रोटेट करते हैं। इन व्हील्स को स्ट्रेट लॉक करने के लिए इस ग्रे कलर को नीचे करना होता है और ये लॉक हो जाते हैं। ये बोट व्हील्स में दिया हुआ है। अब इन व्हील्स का रोटेशन नहीं होगा, ये व्हील्स केवल स्ट्रेट चलेंगे। वापस इनको 360 डिग्री रोटेट करने के लिए इस ग्रे कलर के लीवर को ऊपर करना होता है, जिससे इनका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। बैक व्हील्स में आप देख सकते हैं स्टॉपर है, जिससे इनके व्हील्स स्टॉप हो जाते हैं। अनलॉक करने पे इनके व्हील्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हमें किसी ऐसी जगह पर जहां हम बेबी को इसमें बैठाए हुए हैं और हम कुछ सामान वगैरह देख रहे हैं, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, या हमें इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है, तब इन स्टॉपर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आप पीछे देखेंगे स्टोरेज है। ट्रेवलिंग टाइम में हम बेबीज के सामान प्लस मदर्स के सामान इसमें रख सकते हैं और उनको लेकर साथ में ट्रेवल कर सकते हैं।
फ्रंट व्हील में आप देख सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर के साथ आता है, जैसे ऐसी रोड जहां गड्ढे वगैरह हैं, बेबीज को बिल्कुल कंफर्टेबली हम लेकर राइड कर सकते हैं। इसमें कैनोपी दी है, बेबीज को शेड वगैरह में, धूप वगैरह ज्यादा है तो हम बेबी के लिए शेड का यूज कर सकते हैं। इस कैनोपी को हाफ भी किया जा सकता है, हाफ करने के लिए इसे हम यहां पर लॉक कर देंगे तो ये कैनोपी केवल हाफ खुलेगी, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं आप, मैंने इसे यहां लॉक कर दिया, अभी कैनोपी फुल नहीं खुलेगी और इसे वापस खोलने पर ये कैनोपी फुल खुल जाएगी। फ्रंट सेफ्टी गार्ड में आप देख रहे हैं यहां भी हम बेबी के सिपर्स या बेबी की फीडिंग बॉटल्स रखकर या बेबी के कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखकर बेबी को फीड कराया जा सकता है। अब हम इसकी फोल्डिंग को देखेंगे, इसमें वन हैंड इजी फोल्डिंग दी हुई है। जैसे हमने बेबी को प्रैम से निकाला, अगर हमने उन्हें उनको हमने गोद में ले रखा है तो इजीली हम वन हैंड इसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए इस बटन को स्लाइड करना होता है और नीचे दिए हुए बटन को प्रेस करना होता है, प्रैम इजीली फोल्ड हो जाती है। इसे हम फोल्ड करने के बाद मदर्स चाहें तो इसे इजीली लेकर कैरी कर सकती हैं, उन्हें इसका वेट उठाने की जरूरत नहीं है, ये एज ए ट्रॉली बैग की तरह इजीली कहीं भी कैरी किया जा सकता है। इसे वापस खोलने के लिए ये अनफोल्ड हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ चीजों को और देखते हैं। अभी तक आपने इसके सारे फंक्शंस वगैरह को देखा, इसके मटेरियल जो है इसमें पाउडर कोटेड मेटल यूज किया गया है, प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक है और मिक्स फैब्रिक का यूज किया गया है। प्रैम को हम 0 to 36 मंथ तक के बेबी के लिए यूज करते हैं। इसकी वेट कैपेसिटी 18 kg होगी इंक्लूडिंग स्टोरेज। प्रैम एक ऐसी चीज है जिससे हम बेबीज को बाहर इजी वे में ले जा सकते हैं, क्योंकि बेबीज को हम ना ज्यादा देर गोद में कैरी कर सकते हैं ना ही ज्यादा देर बेबी चल पाएंगे जिससे कि वो थक जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम बेबीज को इजी बाहर लेके घूम सकते हैं और बेबीज भी इसमें काफी इंजॉय करते हैं। तो गाइज हम जल्दी मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।